चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, है ऋषि मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर ऋषि के पुत्र मेरे गुरु महर्षि व्यास पवित्र सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहाँ से सूर्य के समान ज्योतिर्मय विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहाँ आ पहुँचे। मेरे गुरु महर्षि व्यास ध्यान में मग्न थे। ध्यान से जागने पर सामने सनत कुमार जी को देखा तो वे बड़ी तेजी से उठे और सनत कुमार के चरणों का स्पर्श करके उन्हें बहुमूल्य देकर आसन पर विराजमान किया। व्यास जी के स्वागत से प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य का स्मरण करो। सत्य तत्व का स्मरण ही उत्तम प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशंसनीय होता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास को समझाते हुए कहा, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव का श्रवण कीर्तन और स्मरण ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा और घूमता हुआ तपस्या करने मंद्राचल पर्वत पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगुणों के स्वामी नंदकेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। ये बात मुझे स्वयं देवाधिदेव महादेव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृतांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? पांचवा अध्याय शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु चाहिए। गुरु द्वारा सुनी गई वाणी मन की हर समस्या को दग्ध करती है। स्वयं गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के दर्शन और गुणगान में अनुभूति होती है, तभी भक्त भक्ति कर सकता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मोक्ष प्राप्त के लिए वह भगवान के शिवलिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करे। इस प्रकार भक्ति करके वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार रूपी इस सागर को पार करना है तो इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं पात्रता के अनुसार शिवलिंग या शिवमूर्ति की स्थापना करके भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए और पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव जी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव शंकर की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा दी है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदकेश्वर, पूर्व काल में लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। नंदकेश्वर ने बताया, हे मुनीश्वर, प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हुए और इस तरह भगवान शिव ने पृथ्वीलोक की रक्षा की थी। उस दिन से देवाधिदेव महादेव का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी।
परंतु भगवान शिव की लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं।